अगला एक सवाल देखते हैं, रमन मौर्य जी का सवाल है। इन्होंने गोदरेज प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा है कि 1445 के भाव पर इन्होंने 200 शेयर लिए हैं और लंबे अवधि के हिसाब से ही ये लेना चाहते हैं, मतलब रखना चाहते हैं, तो इनको क्या करना है अभी अभी गोदरेज प्रॉपर्टीज। 1445 पे लिया है। ओके, तो मौर्य साहब ऐसा है कि आपके पास होप है अभी, बाकी ये सेक्टर पे मेरा होप नहीं रहता है, लेकिन स्टॉक में थोड़ा होप है। अब ये स्टॉक रिटर्न होने की कोशिश कर रहा है 1130 का सपोर्ट लेके, तो जब तक 1130 है आपके पास होप बचा हुआ है, और होप ये बचा हुआ है कि आपके स्टॉक प्राइस जो है उसके आसपास तक 10-5 रुपये 20 रुपये ऊपर नीचे तक आ सकता है, जब तक 1130 होल्ड करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे आके या उसके में 1400 के ऊपर में कहीं पे भी आके, यहाँ पे राजीव जी का फेवरेट एक ट्रेंड लाइन बनने वाला है जो कि 200 डीएमए से कोइंसाइड करेगा, और वहीं आके इसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो 200 डीएमए विल बी दी प्रॉब्लम फॉर श्योर। ओके, और आपको वहां पे इसको वॉच करना है, तो एक बारी कॉस्ट के आसपास मिलेगा तो निकल जाना चाहिए, या फिर 1130 का क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस लगा के रख लेना। स्टॉप लॉस 1140 कह रहे हैं आप? 1130 का इसका नीचे 1130 का, हाँ, जी, तो वो हो सकता है 1130 थोड़ा, एक तरह से क्या डबल बॉटम ही माना जाए ना हाँ इसको? मैं तो वही रीड कर रहा हूँ, एक्चुअली वही रीड कर रहा हूँ। जी, तो अगर डबल बॉटम बन रहा है 1130 के आसपास और इस समय भाव है 1200 का, और काफी अच्छा लंबा कंसोलिडेशन इसमें हो चुका है, तो क्या मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे सामने बहुत बढ़िया है, ऊपर एकदम आसमान खुला हुआ है और नीचे मतलब थोड़ा सा नीचे जाते ही आपको बढ़िया स्टॉप लॉस मिल जा रहा है? ये तो बात सही है, लेकिन मुद्दा ये है ना कि मैंने जब रियल स्टेट शेयर एक्चुअली लेता नहीं हूँ, लेकिन देखता तो रहता ही हूँ, ये गोदरेज बहुत है बहुत लेकिन बहुत एक्सपेंसिव रहता है। ये आप देखिएगा 80-90-100 टाइम्स पे ट्रेड होता रहता है, तो इसलिए आप किसी भी तरह का उसको एवी बीटा पे निकालना चाहें, प्राइस अर्निंग पे निकालना चाहें, कहीं पे भी जाके देखेंगे, बैठता नहीं है तो जी वो नहीं बैठेगा। नहीं, इसलिए लेकिन आप गोदरेज प्रॉपर्टीज को अक्सर हम कहते हैं कि जो रियल एस्टेट शेयर्स हैं उनमें थोड़ा ज्यादा भरोसे वाला नाम है। भरोसे वाला नाम है, लेकिन उसके ग्रोथ के अगेंस्ट में फिर वही पीडीलाइट जैसा वैल्यूएशन रहेगा, तो कहीं ना कहीं तो सोचना पड़ेगा ना। तो ये जो सही बात है, ट्रेलिंग 12 मंथ पी 90 के आसपास। मैं इसको हमेशा नोटिस किया है मैंने, इसीलिए जब देखना भी पड़ता है तो मुझे इससे बेहतर अच्छा, है वो 90 के ट्रेडिंग। आसपास पी अभी है जब ये अपने ऊपर से काफी नीचे आके डबल बॉटम की हम बात कर रहे हैं चार्ट पे, ऊपर ये 2600 के आसपास तक गया है, वहां से ये घट के हम 1130 का बॉटम देख चुके हैं और उसके बहुत पास में ही है अभी। तो मतलब बीच में कभी कभी बाजार को क्या बुखार चढ़ जाता है? ना ना, बाजार तो बेचारा बिल्कुल ठीक चलता है, हमें बुखार चढ़ जाता है, बाजार को कभी बुखार नहीं चढ़ता। हमारे में प्रॉब्लम है ना कि आप देखिएगा ना, जो भी स्टॉक चलेगा उसके बाद आप नोटिस करें नहीं, तो हमारे जब पास 1200 पे, अगर 1200 पे लगभग 90 के ट्रेलिंग 12 मंथ पी पर है, तो 2600 पे इसका पी क्या रहा होगा? अब वो तो बैक डेटा मुझे मिलेगा नहीं, आपके पास शायद अगर ध्यान हो। नहीं, बैक डेटा तो मैं इसका वैसे भी नहीं रखता हूँ, लेकिन अब इसका पी हमेशा उसके कारण हाई नहीं हुआ है। मेन जो क्या ये जो कोरोना के समय जिसका लॉस मेकिंग शुरू हुआ ना, उसके जी कारण से जो लॉसेज एक्युमुलेट हुए, कैश गया, इन सब के कारण इनका ईवीबीटा मल्टीपल हाई हो गया है और पी हाई हो गया। बट अदरवाइज नॉर्मली ये 50-60 के रेंज में रहता था उसके टाइम, यहाँ तक मुझे जी याद। तो फिर क्या ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अगर इनकी रेवेन्यू और प्रॉफिट्स मतलब दोनों चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी तो फिर ये वैल्यूशन नहीं रहेगा और प्राइसेज फिर शायद इससे ज़्यादा करेक्ट ना हो, तो एक्यूमुलेट करने का बढ़िया समय नहीं लगता क्या? तो इसीलिए तो हमने बोला कि हमें ध्यान क्या रखना है, हमारे को ध्यान ही रखना है कि 200 डीएमए ठीक से निकाल ले और फिर ट्रेंड पॉजिटिव करे। अभी ट्रेंड प्राइमरी ट्रेंड नेगेटिव है, तो डिसीजन कैसे लेंगे? प्राइमरी ट्रेंड को पॉजिटिव कौन करेगा? अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो 1-2 क्वार्टर देखते हैं। जी, फिलहाल चलिए अभी
अगर आप इसके नेट प्रॉफिट भी देखें तो बीच में एक मार्च तिमाही बहुत बढ़िया निकली थी जिसमें नेट प्रॉफिट एकदम से काफ़ी बढ़ा था। जून तिमाही उसके बाद फिर गड़बड़ा गई, मतलब घाटे में तो नहीं गई लेकिन वो मार्च तिमाही जैसा प्रॉफिट नहीं था। तो रिजल्ट्स पे भी नज़र रखनी होगी आगे फिर, लेकिन प्राइस पैटर्न देख करके तो मतलब एक बार को मुझे भी लालच आ रहा है मैं सही बताऊँ।